हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था आप सब लोगों के साथ, जो भी i20 खरीदने का सोच रहे हैं या प्लानिंग है या कंपनी के लिए। देखो ये गाड़ी जो है, अभी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 41, और 41 टेम्परेचर में ये गाड़ी करीब 2 घंटे 2.5 घंटे से खड़ी थी, मतलब अच्छे से खड़ी थी, बिल्कुल बहुत देर तक, क्योंकि काम से मैं गया था। और अभी भाई ये गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है, मतलब मुझे ये स्टेयरिंग पकड़ने में इतने चटके लग रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ तो लगेंगे क्योंकि ये तो ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे के भी ये जो हिस्से हैं इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं बता नहीं सकता। इसके अलावा जो गाड़ी की ये जगह, ये इतना गर्म है कि चटका लगने वाली चीज़ है, मतलब ये भाई मजाक नहीं है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अच्छा खासा गर्म है। तो भाई कंपनी ने ना कुछ करना चाहिए इस बारे में। और अभी गाड़ी ये देखो, ये चटका लग रहा है यहाँ से इतना ज़्यादा। कंपनी ने कुछ ना कुछ करना चाहिए कि भाई ये गाड़ी कम से कम या तो जल्दी ठंडी हो जाए या इतना ज़्यादा गर्म ना हो। यहाँ तक कि जैसे सीट बेल्ट मैंने पहनी है, ये सीट बेल्ट का ये जो मेटालिक हिस्सा होता है, यहाँ तक कि ये जो बेल्ट का भी जो हिस्सा है, ये बेल्ट भी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि पहनना नहीं जो होता, इतना ज़्यादा गर्म। तो गाइज़ मैं बस यही एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं ब्लू लिंक से गाड़ी स्टार्ट करना भूल गया था। अगर करता तो थोड़ी तो भी बेहतर होती इससे। तो बस यही है कि आप लोग भी, आप तक ये चीज़ पहुँचे, आपको पता हो कि भाई ये गाड़ी में ऐसा भी होता है। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।